आफ्टरनून, आप सब कैसे हो? आशा करते काम से मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। डेली लाइफ स्टाइल का वीडियो मैं बनाती हूँ, तो आपको अगर दूसरा वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिए। चलिए हम किचन का कैसे हम खाना बनाते हैं, मोटी रोटी खाते हैं, आपको भी खिलाते हैं। पूरा पसीना हो चुके हैं, नहा धो लिए फिर भी। गुड आफ्टरनून, अभी मैं पनीर का सब्जी बनाई हूँ। ये 1:30 बजे का आपका व्यू है ये। और ये मैं मोटी रोटी बनाई हूँ। मोटा ही रोटी बनाते हैं क्योंकि मोटा रोटी में फाइबर होता है। और ये कागरी खेसा, इसका सब्जी वो जो बोलते हैं, वही मैं बनाई हूँ। तवा अभी पूरा ये गंदा हो चुका है, इसको साफ करूँगी। तो इसको पहले खाने के बाद साफ करेंगे क्योंकि बहुत ज़ोर से फूल रहा है। और ये इधर हम रोटी बनाए हैं, कुछ पतली भी बनाए हैं, तो पतली रोटी भी कोई कम नहीं है। ये सारे गैस छोटा रोटी जो पान के जैसे रहता है वो सही नहीं है सेहत के लिए। यहाँ पर भी एक रोटी मेरा छिपा हुआ है, मोटा रोटी ये भी है। तो ये हमारा ऐसे ही रोटी मिलेगा आपके पास। थोड़ा सा जल गया है लेकिन ये मोटा है। होटल में तो ऐसा कोई ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। घर का नमक रोटी भी है तो बहुत ही बेस्ट है। तो ये हमारा रोटी गैस, ये हम बच्चों के लिए बनाया। हम बच्चों को भी भरा ही रोटी देते, मोटा ही रोटी। एक रोटी खाना नहीं चाहता तो एक रोटी में पेट भर जाए। और ये हमारा मोटा रोटी। कैसा लगा वीडियो? खेक्सा हम तवा पर ही भून लिए हैं, थोड़ा सा ही नमक हल्दी डाले और कुछ नहीं। अब इसको खाने जाएंगे। मोटी रोटी, मोटी रोटी हमारी बेस्ट है। और ये पनीर की सब्जी बन चुका है गाइस। अब हम बर्तन धो लेते हैं। देखिए आज थोड़ा पानी कैसा मिल रहा है। आज वैसे गंदा ही पानी, रोज हमारे यहाँ गंदा ही पानी आएगा। देख सकते अब समय आदत हो चुका है देख देख करके। ये तो कल से ज़्यादा बेटर है। कल पे ही मैं आपको दिखाई थी, आज देखिए कैसा है। आज थोड़ा तो साफ है। जैसे ज़्यादा पानी बारिश होता है तो कि हमारे यहाँ नल का चाय बनाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा असली पानी है। तो इससे हम पीते उते नहीं है, बर्तन बर्तन धोते हैं, खीरा भी धो लेते हैं। तो इसको फिर भी पीने वाला पानी से हम धोते हैं इसको। तो कैसा लगा वीडियो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करेंगे। ये हम पीने का पानी नहीं है, ये बस नल का पानी है काम करने के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, सीधा किचन से हम बात कर रहे हैं। हम थाली ले लिए, खाना लगा रहे हैं। ये देखिए खेक्सा का सब्जी मैंने बना लिया। और ये हरी मिर्ची, मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है इसलिए मैं हरी मिर्ची ले ली हूँ। अब इसमें जाएगा ये हमारा खीरा जाएगा गाइस। ये सलाद हुआ, खीरा जरूर खाएं, प्याज भी खाएं, सलाद ज़रूरी है। और ये हमारी मोटी वाली रोटियां, जो कि मुझे रोटी पसंद है। एक रोटी मैं ले ली हूँ चार भाग करके, एक रोटी मेरे लिए काफ़ी है, पेट भर जाता है हमारा। तो गाइस हमारा ये खाना, ये थोड़ा सा जल गया, कोई बात नहीं, हम जल गया है हल्का फल्का, लेकिन कि ये सेहत का खजाना है। तो मेरा सेहत का राज मोटी रोटी है गाइस और हरी मिर्ची, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। और अब चलिए थोड़ी सी हम मूंग ले लेते हैं, जो कि हम भिगोए थे, ये भी मुझे चाहिए। ले लिए सब्जी, आएगा पनीर का सब्जी। लगा वीडियो जरूर बताइए गाइस। देखिए हमारा खाना रेडी है, आप भी खाइए। पनीर बनाई थी गाइस, सभी को खिला दिए। अब मैं आई हूँ बाहर से, तो मैं खा रही हूँ मेरा ये खाना। चावल हमारा ख़त्म हो गया तो मैं रोटी ही बनाई हूँ। ये रोटी है और ये हमारा तो मूंग है। तो देखिए खाई थी, सब्जी ख़त्म हो गया, लास्ट बचा हुआ है। फिलहाल ये इंजॉय करिए खाना हमारा। पनीर का सब्जी हुआ, खेक्सा का सब्जी हुआ, मूँग हुआ, हरी मिर्ची हुआ, और ये खीरा है, सारा कुछ है। एक हेल्दी भोजन हो गया ये हमारा हरी मिर्ची के साथ में। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर लाइक एंड शेयर कमेंट करिएगा। खा लीजिए फिलहाल आप भी। चलिए गाइस हमारा खाना लग चुका है और हम खाना बना लिए। देख सकते हैं मैं यहाँ पर खाना है आपको पहले खिला रही हूँ, पनीर की सब्जी और रोटी। ये दीजिए खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। तो फिलहाल आप खा लीजिए, मैं खा रही हूँ। तो खा करके मिलते हैं गाइस। ये हम खाना चलिए खा लेते हैं, चलिए खाते हैं और आप भी खाइए गाइस। ये सारे बच्चे का इकट्ठा हुआ गाड़ी, देखिए यहाँ पर सब मिला करके लेके जाएगा। एक आगे चला गया, ये यहाँ पर रुकी हुई, यहाँ रुकी हुई है। ये दूसरे स्कूल का बच्चा है।